मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 एसएसटी सब्जेक्ट पेज नंबर 57। कल देखो यहाँ से स्टार्ट किए थे हम चैप्टर, स्टार्टिंग से यहाँ तक पढ़ाए थे, आज उसका बाद से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। सीजन्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट राइट क्लास वर्क एंड डेट इन योर बुक, ओके। अच्छा, इन इंडिया देयर आर 3 मेन सीजन्स। भारत में मेन 3 सीजन पाया जाता है, समर मॉनसून एंड विंटर, गर्मी का मौसम, रेनी का मौसम, बारिश का मौसम और ठंड का मौसम। गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम एंड ठंड का मौसम। सम पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव टू मोर सीजन्स। भारत का और कुछ कुछ पार्ट में क्या होता है ना, और दो एक्स्ट्रा सीजन देखा जाता है, जैसे स्प्रिंग, बसंत और ऑटम, है। अच्छा, हम यहाँ पर पढ़ेंगे समर सीजन फर्स्ट। समर लास्ट फ्रॉम मिडिल मार्च टू जून। समर स्टार्ट होता है, शुरू होता है मिडिल मार्च, मतलब मार्च महीने का बीच से, टू जून, मतलब वो जून तक रहता है। इट इज प्रेजेंट ड्यूरिंग मार्च, मतलब मार्च सीजन में वो प्रेजेंट रहता है, मतलब सहन कर सकते हैं वो गर्म। अनकम्फर्टेबल इन अप्रैल, अप्रैल में वो गर्मी सहन हम लोग नहीं कर सकते। एंड हॉट इन मई, बहुत गर्म रहता है मई महीने में। एंड स्कॉर्चिंग इन जून, अच्छा स्कॉर्चिंग इन जून मतलब जून महीना में, जैसे ये महीना चल रहा था तो कितना गर्म था, बहुत गर्म था, इसीलिए बोला जाता है कि जून महीना साल का सबसे हॉटेस्ट मंथ है, ठीक है। द टेम्परेचर इन नॉर्थ इंडियाज प्लेन्स राइजेस टू 45 डिग्री सेल्सियस। तापमान कितना रहता है नॉर्थ इंडिया प्लेन्स में, ना 45 डिग्री तक सेल्सियस तक हो सकता है। अच्छा देखो, नॉर्थ इंडियाज प्लेन्स मतलब नॉर्थ साइड, इंडिया का नॉर्थ जो साइड है उसका ही टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। द डेज आर हॉट, मतलब दिन बहुत गर्म रहता है। द डे इज लॉन्गर, दिन बड़ा होता है, देन नाइट, रात से, मतलब रात छोटा होता है, दिन बड़ा होता है। इन सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया दैट कवर्स द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एक्सेट्रा, हॉट विंड्स कॉल्ड लू ब्लो। लू किसे कहते हैं, हॉट विंड्स, जो गर्मी का मौसम में दोपहर में जो गर्म हवा चलता है, तो वो कौन सा साइड में है, इंडिया का नॉर्थ साइड, मतलब ये नॉर्थ साइड एंड वेस्ट साइड। इंडिया कवर्स द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जो तीन स्टेट्स है, इसमें क्या होता है ना, दोपहर में बहुत गर्म हवा चलता है जिसे कहते हैं लू। द शिफ्टिंग ऑफ सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स मतलब बालू का छोटा छोटा पहाड़, जो कहाँ पर बनता है, रेगिस्तान में बनता है। शिफ्टिंग मतलब एक जगह से दूसरे जगह वो चल जाता है, कैसे ना, बिकॉज ऑफ द मूविंग विंड्स कॉज डस्ट स्टॉर्म इन द डेजर्ट रीजन ऑफ वेस्ट इंडिया। वेस्ट इंडिया मतलब ईस्ट साइड में क्या है इंडिया का, रेगिस्तान है, तो क्या होता है वहाँ पर जो हवा चलता है उसी वजह से क्या होता है, बालू एक जगह से दूसरा जगह जाके जमा हो जाता है, ये पहाड़ बन जाता है, उसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स, डेजर्ट में वो होता है। मेनी पीपल गो टू हिल स्टेशन लाइक शिमला, नैनीताल एक्सेट्रा। इस टाइम में मतलब गर्मी का सीजन में कहाँ जाते हैं आदमी लोग ना, हिल स्टेशन, जो नॉर्थ इंडिया का जो नॉर्थ साइड में जो हिल है, हिल स्टेशन मतलब घूमने का जगह, जो पहाड़ी जगह है, जैसे शिमला, नैनीताल, वहाँ पर घूमने चल जाता है, क्योंकि वहाँ का होता वो जगह क्या होता है, ठंड रहता है, इसीलिए। टूवर्ड्स द साउथ इंडिया इज अ पेनिनसुला, साउथ में क्या है, देखो इंडिया का तीनों साइड पानी से ढका है। यहाँ पर है अरेबियन सी, यहाँ पर है इंडियन ओशन एंड यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, तो तीनों साइड क्या है, पानी से ढका हुआ है, इसीलिए इंडिया को बोलते हैं पेनिनसुला। Peninsula and has water on three sides. So, cool sea breeze blows and the summer season is not so hot. तो साउथ में क्या होता है, चारों तरफ पानी पानी रहता है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा गर्म नहीं होता,
However, people sweat a lot in these areas. Many vegetables and fruits are not available. गर्मी का मौसम है इसलिए क्या होता है ज्यादातर पसीना आ जाता है और यहाँ पर ज्यादा सब्जी और फल इस टाइम में अवेलेबल नहीं होता. ओके, नेक्स्ट सीजन मॉनसून सीजन मतलब बारिश का मौसम, रेनी सीजन जिसे कहा जाता है. द रेनी सीजन इन आवर कंट्री बिगिंस विद द ऑनसेट ऑफ समर मॉनसून विंड्स इन द मंथ ऑफ जून. समर के बाद ही आता है क्या मॉनसून सीजन जो जून महीने से स्टार्ट हो जाता है. दिस सीजन कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ सितंबर. बारिश का मौसम सितंबर तक रहता है, सितंबर का लास्ट तक, एंड ऑफ सितंबर. द समर मॉनसून विंड्स जो समर मॉनसून विंड्स एंटर इंडिया फ्रॉम द साउथ वेस्ट डायरेक्शन. साउथ वेस्ट मतलब the summer monsoon wind enters India from the southwest direction. देखो हम लोग देख लेते हैं southwest direction. Map का इस साइड ईस्ट है, इस साइड वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. फिर साउथ वेस्ट मतलब इस डायरेक्शन में क्या होता है मौसम, जो हवा है, जो मौसम वायु है वो घुसता है, एंटर करते हैं कहाँ पर, ना भारत में, इंडिया. Thus these winds are also called, इसे और एक नाम से जाना जाता है, क्या है, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड. साउथ वेस्ट से घुसता है इसीलिए इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड. द इंडिया पेनिनसुला डिवाइड्स द साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स इनटू टू ब्रांचेस, दो शाखा में भाग हो जाता है. एक है द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच. द अरेबियन सी ब्रांच इज मोर पावरफुल देन द बे ऑफ बंगाल ब्रांच. ज़्यादा पावरफुल है अरेबियन सी ब्रांच बे ऑफ बंगाल. These winds blow from sea to land. ये जो हवा चलता है ये कहाँ से चलता है, सी मतलब समुंदर, समुंदर से जाता है लैंड में. एंड कैरी विद देम अ लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर मतलब बारिश के जो बूंदे होते हैं उसको कैरी करते हैं. देखो दो ब्रांच में बढ़ जाता है हम बोले, एक है अरेबियन सी और एक है बे ऑफ बंगाल. देखो इधर ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल एंड वेस्ट साइड में है अरेबियन सी. तो बे ऑफ बंगाल से क्या होता है अरेबियन सी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और सी से लैंड तक जाते हैं. सी इधर है, इससे क्या होता है, देखो एरो साइन देखो हम दे दिए हैं, ये सी साइड से क्या होता है जो बारिश के बूंदे हैं समुंदर सूरज के वजह से क्या होता है गर्म हो जाता है पानी और उसका बूंदे क्या होता है सी से जाते हैं लैंड के साइड में. ठीक है. समर मॉनसून विंड्स स्ट्राइक अगेंस्ट द हिल्स एंड माउंटेन्स एंड कॉज हैवी रेनफॉल इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. ये जो समर मॉनसून विंड्स जो बारिश के बूंदे ले जाते हैं अपने साथ वो क्या होता है ना हिल्स एंड माउंटेन्स पहाड़ एंड पर्वत में क्या होता है उसको धक्का लगता है हिल्स और माउंटेन्स में. एंड कॉज हैवी रेनफॉल क्या होता है ना वहाँ पर बारिश के जो बूंदे हैं वहाँ पर गिर जाते हैं मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के बहुत सारे जगह में जहाँ जहाँ हिल्स और माउंटेन्स है. मॉनसून राउंड इन मेघालय अबाउट 16 किलोमीटर वेस्ट ऑफ चेरापूंजी. चेरापूंजी का जो मेघालय का जो मोसीराम जगह है वहाँ पर क्या होता है ना सबसे इज द वेस्ट वेटेस्ट प्लेस. मेघालय अबाउट 16 किलोमीटर वेस्ट ऑफ चेरापूंजी. चेरापूंजी से 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर पश्चिम में एक जगह है जिसका नाम है मोसिनराम जो मेघालय में स्थित है. वहाँ पर क्या होता है ना देखो इज द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा यहाँ पर बारिश होता है इसीलिए ये वेटेस्ट प्लेस है. ओके, द मॉनसून विंड्स आर वेरी इरेगुलर. इरेगुलर मतलब वो डेली नहीं बहता, कभी कभी बहते हैं. ठीक है, मॉनसून विंड्स इसीलिए इरेगुलर बोला गया है. दे कैन कॉज फ्लड्स इन वन पार्ट ऑफ द कंट्री. मॉनसून विंड्स के वजह से क्या होता है ना इंडिया का कहीं कहीं जगह में बाढ़ आ जाता है. एंड ड्रॉट, ड्रॉट मतलब सूखा ही रह जाता है इन अनदर पार्ट एट द सेम टाइम. उसी टाइम में कोई कोई जगह क्या होता है बाढ़ आ जाता है, कोई कोई जगह सूखा ही रह जाता है. द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन इंडिया इज अबाउट 125 सेंटीमीटर्स. एवरेज रेनफॉल मतलब एनुअल वार्षिक जो रेनफॉल होता है बारिश गिरता है 125 सेंटीमीटर्स एवरेज. द जनरल डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन. द जनरल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सभी जगह सेम बारिश नहीं होता.
Normally, it decreases from south to north and also from east to west. The Tamil Nadu coast remains dry in this season. Tamil Nadu का जो coast है वो dry रह जाता है इस season में. Look at this map. Area with heavy rainfall have fertile soil which is good for agriculture. यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस मैप हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर कहाँ कहाँ जगह में कैसा टाइप का रेनफॉल पड़ता है. इधर देखो जैसे यहाँ पर डीप कलर का जो दिख रहा है उस जगह में अब 300 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा रेनफॉल पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा रेनफॉल है. अब कहीं कहीं जगह देखो बिलो 40, मतलब ये जो ये येलो कलर का जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर बिलो 40 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होता है. जैसे हम लोग अगर इंडिया मैप में देखें तो ये जगह राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया होता है, फिर इधर देखो मौसिनराम होता है जहाँ पर 300 से भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेनफॉल पड़ता है. फिर हम लोग का इधर जगह में देखो ये कलर है, ये कलर इंडिकेट्स मीन्स 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल पड़ता है. अब हम लोग कैसे मेज़र करते हैं रेनफॉल? एक एक्चुअली चीता पानी अमाउंट ऑफ पानी हम लोगों को मिलता है पूरा ईयर में, वही हम लोग को बोला गया है इसमें कि इधर देखो इस पार्ट में देखो देख सकते हो 60 to 100 सेंटीमीटर, ज़्यादा पड़ता ही नहीं है. अब देखो बीच बीच में हम लोगों को भी एक येलो कलर का पोर्शन दिखा ना बिलो 40, मतलब यहाँ पर भी रेनफॉल एकदम ही नहीं पड़ता. मतलब हम लोग का जो बोला गया इंडिया में ज़्यादा जो पेनी हम लोग पढ़े थे ना इधर जब मानसून विंड्स आर वेरी इरेगुलर, तो हम लोग इस पिक्चर से हम लोगों को क्लियर हो गया कि ये सब बहुत इरेगुलर रेनफॉल होता है. थैंक यू.